विधानसभा की तारीखों के ऐलान के साथ ही पार्टियां अब टिकट के दावेदारों को लेकर मंथन कर रही हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली में हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल, प्रदेश बीजेपी प्रभारी अनिल जैन समेत कई मंत्री मौजूद रहे। 21 अक्टूबर को हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। किरण चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कमेटी के तमाम सदस्य मौजूद रहे। कई मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज जेजेपी की तरफ से रोहतक में चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के मौके पर रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने रोहतक को चौधरी देवीलाल की कर्मस्थली बताया है और जमकर बीजेपी पर हमला किया। कहा कि बीजेपी के मनी पावर को मैन पावर हराएगी, आपका एक एक वोट कीमती है। वहीं इस रैली के जरिए जेजेपी ने चुनावी शंखनाद किया। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही आम आदमी पार्टी ने 22 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि इस सूची में महज एक हॉट सीट पर उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया है। आप प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद का नाम इस सूची में नहीं है। ये सूची हरियाणा सह प्रभारी सुशील गुप्ता और नवीन जयहिंद ने जारी की है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के कई विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पंचकुला से आम आदमी पार्टी ने आप पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश्वर शर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उम्मीदवार घोषित होने पर योगेश्वर शर्मा ने कहा है कि दिल्ली में जो काम आम आदमी पार्टी ने किए हैं, वही काम हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर किए जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के सम्मेलन में राज्यसभा सांसद और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ नारेबाजी हुई। प्रतला विधानसभा में बाहरी व्यक्ति को टिकट देने पर कार्यकर्ताओं ने यहां पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े और जमकर लाठियां चली। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने रोहतक से अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है। रोहतक में कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन में पहुंचे कार्यकर्ताओं में चुनाव के लिए जोश भरा और कांग्रेस के हाथ मजबूत करने की बात कही। बीजेपी ने विधानसभा स्तर पर अनुसूचित जनजाति सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और कृष्ण बेदी ने संबोधित किया और बीजेपी शासनकाल में चलाए गए योजनाओं को बताया। साथ ही प्रदेश में कमल खिलाने का आह्वान किया। विधानसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने तैयारियों को लेकर निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदाता और उम्मीदवार को चुनाव के दौरान कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं चुनाव के दौरान हर नागरिक आदर्श आचार संहिता का पालन करे, इसकी अपील की। आयुष्मान भारत योजना को लागू हुए एक साल पूरे होने के मौके पर 30 सितंबर को भारत सरकार के जरिए दिल्ली में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में योजना के प्रथम लाभार्थी करनाल की बेबी करिश्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। बेबी करिश्मा के परिजनों ने कार्यक्रम में जाने की हामी भी भर दी है।